नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। तुला राशि 2024, ये घटनाएं आपके साथ होकर रहेगी। साल 2024 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने तुला राशि को सही सुना। आपका स्वागत है हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। एक से एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही फलदायक है। आपके सुझाव द्वारा काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे कि 2024 के ऊपर वीडियो जल्दी से गुरु जी बनाइए, लेकर आइए। तो आपके सामने हम लेकर आए हैं। 2023 जाने वाला है और वर्ष 2024 आने वाला है, और सब ये जानने के इच्छुक होते हैं कि आने वाला वर्ष, आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव हमारे लिए अगले साल आ सकते हैं। यही दोस्तों आज हम जानेंगे। आज के जो हमारा विषय है तुला राशि, महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2024 में। ये 6 घटनाएं आपके साथ होकर जो रहेंगी, किस वजह से, कौन से ग्रह से क्या वो घटना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव आपके जीवन में, आपके करियर को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके पढ़ाई को लेकर, आपके रिश्ते नाते को लेकर, ये हम सब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कौन सी वह 6 घटनाएं हैं जो होकर रहेगी वर्ष 2024 में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को वर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने इष्ट देव से कामना करता हूं कि आपका आने वाला भविष्य 2024 में आपको सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, मिले, जो भी आप चाहते हैं, ये मेरी कामना है इष्ट देव से। चलिए करते हैं शुरुआत। 2024 6 महत्वपूर्ण घटना वो कौन कौन सी है जो होकर रहेगी तुला राशि को आपके जीवन में। यह कार्यक्रम जन्म की राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। अब हम आपको जो बता रहे हैं बड़े ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। वर्ष 2024 में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पे पूरे अप्रैल तक रहेंगे और मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पे आ जाएंगे। जी हां, अब राहु देव आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे कि ये राहु से निकल चुके हैं तो आपके छठे भाव पे रहेंगे 2024 में, पूरे 24 में छठे भाव पे गोचर करेंगे। शनि देव आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे पूरे साल और जुलाई के महीने में वक्री हो जाएंगे, किंतु केतु ग्रह ये आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे पूरे साल वर्ष 2024 में, और सूर्य मंगल जनवरी में यानी इनका ट्रांजिट होगा यानी ये राजयोग और धनयोग दोनों का निर्माण करेंगे। सबसे पहली घटना तुला राशि को मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर पूरे अप्रैल के महीने तक अगर जिनके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति भी बन रही है यानी फर्स्ट वर्ष के शुरुआती महीने में, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक महीने में आपको नौकरी में परिवर्तन आने की संभावना है। 99% यानी कि अच्छी दिखाई दे रही। इसका यानी कि क्या रीजन है, आखिर क्या कारण, क्योंकि राजयोग धनयोग का निर्माण हो रहा है। इस समय में आप नौकरी में एक अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं या फिर प्रमोशन या फिर चेंज कर सकते हैं। अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना होता है जब सूर्य उच्च के होते हैं, पूरे एक महीने तक सूर्य उच्च के होते हैं। जब सूर्य उच्च के रहते हैं अप्रैल के महीने से लेकर पूरे महीने मई महीने तक, तो जो सरकारी सेक्टर में है उनके लिए कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। इसके साथ ही साथ आपके नेम फेम होने की संभावना अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य इस दरमियान उच्च के रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बढ़ा रहेगा, कहीं ना कहीं आपको एक गुड न्यूज मिल सकती है यानी आपको संतान पक्ष से आपको फायदा मिल सकता है। जो विद्यार्थी हैं, जो अविवाहित जातक है, उनके एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई एग्जाम क्लियर हो सकता है, गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, सरकारी जॉब आपको मिल सकती है। अप्रैल से मई तक के बीच में यह सब आपको मिल सकता है, नेम फ्रेम भी मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरु अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और फिर इसके बाद परिवर्तन होगा, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप फैमिली प्लानिंग पॉजिटिव दिख रही है, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संतान का योग दिख रहा है। अगर आप अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको विशेष लाभ होगा दोस्तों। यहां पर चौथी जो महत्वपूर्ण घटना है बताना चाहेंगे कि जो
स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा, जो विदेश जाना चाहते हैं विदेश के लिए उनके लिए योग बनेगा, और जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो तो बड़े संस्था में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए जुलाई से बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत ही विशेष योग बनेंगे। तो चौथी बड़ी घटना, चौथी बड़ी भविष्यवाणी है शिक्षा यानी कि विद्यार्थियों के लिए। पांचवी बड़ी जो घटना होगी दोस्तों, बता दें कि इसमें आपके लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं। जिनके लिए लोन के लिए प्रयास किए गए थे वो लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में इनका निर्माण होगा, राजयोग और धनयोग दोनों का निर्माण होगा, जिससे इन्हें बहुत ही लाभ होगा। और बताना चाहेंगे कि आपको पूरे वर्ष 2024 में विशेष लाभ होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सुख सुविधा में वृद्धि होगी, धन इनकम में प्राप्ति होगी, अच्छे बड़े योग बनेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। प्रगति के मार्ग पर आप दिखाई देंगे, महत्वपूर्ण लाभ होंगे। कुछ ऐसे काम जो काफी दिनों से अटके हुए थे, फंसे हुए थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर स्थिति का निर्माण होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, कारोबार भी तेज चलेगा। छठवीं जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है दोस्तों, वैवाहिक जीवन को लेकर, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। अव्याहिक जातकों के योग बन रहे हैं यानी कि विवाह के योग बन रहे हैं, यानी उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते तय होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और बहुत ही अच्छे लाभ होंगे। साथ ही विवाह, जिनका विवाह हो चुका है पति पत्नी के बीच संबंध काफी मधुर रहेंगे, यानी कि जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, घर परिवार में भी सुख समृद्धि बरसेगी। तो छठवीं भविष्यवाणी यानी कि वैवाहिक जीवन को लेकर है, बहुत ही अच्छी स्थिति होगा, निर्माण होगा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। तो छह महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में होगी। साथ ही गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में सुख सुविधा में प्राप्ति करेंगे। राजनीतिक मसले हल होंगे और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तुला राशि के अंतर्गत। तो तुला राशि के अंतर्गत ये था छह महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, छह महत्वपूर्ण घटना जो आपके जीवन में होकर रहेगी वर्ष 2024 में। दोस्तों बता दें कि अब उपाय के बारे में बता दें जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तुला राशि को अगर आप चाहते हैं कि वर्ष 2024 और भी बेहतर जाए, तो आपको वर्ष 2024 में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और आपको ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप गरीब निर्धन को दान करें या फिर आप चाहें तो सफेद चीजों का दान करें तो विशेष लाभ होगा। तो यह था तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की विशेष राशिफल यानी छह महत्वपूर्ण घटना भविष्यवाणी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।